जो हक को हक कहे हरदम, जो हक को हक कहे हरदम, जो हक को हक कहे हरदम, हमेशा बिल्कुल ऐसा हो। हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। अरे नारा लगाइए, आइए 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 आइए, हबीबे मिल्लत जैसा। हमारा पीर कैसा हो, मिल्लत जैसा हो। कलाम में हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। जरा सारा मजमा, हमारा पीर कैसा हो। जिसके पीर हजरत हैं और जो हजरत को चाहते हैं वो पढ़ लें, हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। ये बेला मोगरा चंपा चमेली मैं ना देखूंगा, किसी जरदार की ऊंची हवेली मैं ना देखूंगा। ये बेला मोगरा चंपा चमेली मैं ना देखूंगा, किसी जरदार की ऊंची हवेली मैं ना देखूंगा, किसी जरदार की ऊंची हवेली मैं ना देखूंगा। मेरी आंखों में हर लम्हा मेरे मुर्शिद का चेहरा हो, मेरी आंखों में हर लम्हा मेरे मुर्शिद का चेहरा हो। हमारा पीर कैसा हो, हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। और आज धामनगर शरीफ में पढ़ाऊं, कल बरेली शरीफ में मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ तमाम तर हबीबी भाई के वाले। बरेली के रजा महशर के दिन जब लब को खोलेंगे, बरेली के रजा महशर के दिन जब लब को खोलेंगे, मेरा दिल कह रहा है वो यकीनन बस ये बोलेंगे, मेरा दिल कह रहा है वो यकीनन ये यही बोलेंगे। बरेली के रजा महशर के दिन जब लब को खोलेंगे, मेरा दिल कह रहा है वो यकीनन ये ही बोलेंगे। मेरे नजदीक आ जाओ, मेरे नजदीक आ जाए मुजाहिद का जो शहदा हो। मेरे नजदीक आ जाए मुजाहिद का जो शहदा हो। हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। ये अपने साथ में लेकर कोई खंजर नहीं चलते, ये अपने बैग में भर कर कभी पत्थर नहीं चलते, ये अपने बैग में भर कर कभी पत्थर नहीं चलते, ये अपने साथ में लेकर कोई खंजर नहीं चलते, ये अपने बैग में भर कर कभी पत्थर नहीं चलते, ये अपने बैग में भर कर कभी पत्थर नहीं चलते। अरे नहीं डरते किसी से ये, नहीं डरते किसी से ये, वो डाकू हो या गुंडा हो। नहीं डरते किसी से ये, नहीं डरते किसी से ये, वो डाकू हो या गुंडा हो। नहीं डरते किसी से ये, वो डाकू हो या गुंडा हो। हमारा पीर कैसा हो, हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। या रसूल अल्लाह, हमारा। अब एक जवाब देता हूँ, मैं हजरत का मुरीद हूँ।
भैया नदीम भाई का और मेरा भी यही पैगाम है, हमको वो कभी ना बुलाए जो हजरत का गद्दार होता है। हम लोग जाना चाहते हैं क्या, फोन ही ना किया करो। ये अपने साथ में लेकर कोई खंजर नहीं चलते, ये अपने बैग में भर कर कभी पत्थर नहीं चलते, ये अपने साथ में लेकर कोई खंजर नहीं चलते, ये अपने बैग में भर कर कभी पत्थर नहीं चलते, नहीं डरते किसी से ये, नहीं डरते किसी से ये, वो डाकू हो या गुंडा हो, हमारा पीर कैसा हो, मिल्लत जैसा हो। देखिए मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुहज़्ज़ब अंदाज़ में। गुलामी बोल कर हमको कहो देते हो क्यों धमकी, अरे हाँ हाँ गुलामी करते हैं हम आला हजरत की। अगर ये शेर आपको अच्छा लगे तो सारे लोग खड़े होकर सरकार हबीबे मिल्लत के दीवाने नारा लगाएंगे। गुलामी बोल कर हमको कहो देते हो क्यों धमकी, अरे हाँ हाँ अरे हाँ हाँ अरे हाँ हाँ गुलामी करते हैं हम आला हजरत की, अरे हाँ हाँ अरे हाँ हाँ हमारे जैसा दुनिया में। अगर हम आलादत की गुलामी करते हैं, हमारे जैसा दुनिया में भला किसका नसीबा हो, हमारे जैसा दुनिया में भला किसका नसीबा हो, अभी भी खड़ा के नारा लगाना, हमारा पीर कैसा हो। रुके रुके रुके, आप हबीबी हैं, आप हबीबी नहीं है, रजवी नहीं है, सरकार आलाजत के चाहने वाले नहीं। मैंने कहा कि खड़े होने के लिए दो आदमी खड़ा हुआ, हमारा पीर कैसा हो, एक बार खड़े होकर नारा लगा दे, हमारा पीर कैसा हो, जोर से हमारा पीर कैसा हो, और जोर से हमारा पीर कैसा हो, कैसा हो हमारा पीर कैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। माशाल्लाह अब्दुल भाई 100 रुपया दे रहे हैं, ये मुझे बचपन से मोहब्बत करते हैं। जब हजरत बैठे रहते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, हबीबे दीन मिल्लत।